व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक समीक्षा बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ शहर में जाम की समस्या से राहत दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा गीडा जीरो पॉइंट से गोरखपुर तक माल वाहनों की सुरक्षा के साथ माल वाहन मुख्य सड़क छोड़कर खड़ा करने की मांग की गई, जिससे हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। थाना प्रभारी की तरह ही पुलिस चौकी प्रभारी को सीओजी मोबाइल नंबर देने की मांग की गई। बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, अभिषेक साही, मणिनाथ गुप्ता, अभय निषाद, चित्रा देवी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, प्रयास किया था फूल घर वाले में भी वो राजस्व का मामला आ गया। राजस्व प्रभावित हमने तो डीएम साहब को दिया, सर्वे सर्वे डीएम साहब है उस प्रकरण में, मैंने डीएम साहब को दिया तो पोटेंशियल चीजें वो अबकारी में जाएगा। मैं वहाँ मिला भी, बात भी किया, बोले ठीक इसकी रिपोर्ट लगाई जाएगी, तो रिपोर्ट लग के आ गए सर यहाँ से इतना वो चीज आपके उसमें आ सकता है। सर मैंने आपको लिख करके दिया, सब कुछ वहाँ भी सर मैंने लिख के दिया, सर आए दिन वहाँ मारपीट होती है, सारी चीजें होती है, कानून व्यवस्था वाली बात हम लोग का दायरा जो है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की गोष्ठी चल रही है और ये शासन, ये हमारे डीजीपी साहब के आदेशानुसार ये प्रत्येक माह ये गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। तो व्यापारी बंधुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके व्यापार से संबंधित, उनके व्यापार में कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत परेशानी, कोई रंगदारी की बात, कोई असुरक्षा की बात, किसी भी ऐसे 17 बिंदु हैं, 17 बिंदुओं पर प्रत्येक माह चर्चा होती है। 17 बिंदु पिछले एक वर्ष पहले आया था, उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा होती है। तो सर किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? खासतौर से आज यातायात वाली बात सामने आई है, पिकेट व्यवस्था के संबंध में, जो रात में चोरियां हो रही हैं उसके संबंध में कि गश्त व्यवस्था, पिकेट व्यवस्था और सुदृढ़ किया जाए, उसी के संबंध में खासतौर से आज ये मुद्दे आए हैं।